हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचित फ्रॉम रचित फिश कीपर। आज हम सीवर्ल्ड एक्वेरियम्स में आए हुए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि एक आप एक लो टैंक बना सकते हैं, लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम, जिसमें आप आपको CO2 की जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, आगे आपको दिखाते रहेंगे। क्या लग रही है? ये हमारे महेंद्र गुदारा भी है, इनकी ये शॉप है। तो भैया आज दिखाएंगे कि कैसे स्टार्ट करना पड़ता है, कैसे बनाएंगे। और फ्रेंड, ये टैंक अपना हमारा जो 50 लीटर का टैंक है, डॉल्फिन का टैंक है, और इसके अंदर में 5-in-1 टैंक आते हैं। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये कितनी वैरायटीज आती हैं। आज हम आपको एक लो टच प्लांट टैंक और विद लो CO2 टैंक बनाने जाएंगे। कुछ फ्रेंड्स हैं बोलते हैं कि कहते हैं कि हमारे पास में कोई प्लांट हम टैंक में लगा सकते हैं या कैसे क्या कर सकते हैं, तो हम उन्हें सिखाएंगे कि आज आप कैसे आप कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में आप एक प्लांटेड टैंक बना सकते हैं जिसको इजी टू मेंटेन है। आई फ्रेंड, मैं आपको सामान बता रहा हूँ। ये हमने कुछ प्लांट्स लिए हैं, यानी ये प्लांट्स का नाम है NBSnana, जो इजी टू प्लांट है, जो लो CO2, लो लाइट और लो टैंक में चलता है। ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए लेते हैं हम एक एयर फिल्टर, स्पॉन्ज फिल्टर, एक एयर पंप नॉर्मली ऑक्सीजन के लिए, और आपका मेडिसिन एंटी क्लोरिन जो पानी के सप्लाई को क्लोरिन रिमूव करेगा, और इचिंग, और एक थर्मामीटर जो आपका टैंक का टेम्परेचर रहेगा, और एक हमने एक लाइट ली है, सैमसंग का लाइट है, ADS 4000C, काफी अच्छी लाइट है और इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप इस तरीके की कोई चीप लाइट ले सकते हैं जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसके लिए हमने सैंड ली है, ये हमारी सैंड है 10 kg, और कुछ लावा रॉक्स हैं, और देखिए हमने रॉक्स। अगर आपके पास में कोई ये सैंड नहीं है तो आप नॉर्मली सैंड भी या कोई भी ग्रेवल्स यूज कर सकते हैं। 50 लीटर का टैंक लिया है छोटा, ये सैंड हमने इसका धो लिया है, पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया है, मिट्टी विट्टी डस्ट 2-3 बार धो के साफ हो गई है। अब हम इसको इस टैंक में डालेंगे। ये हमने सैंड पूरे टैंक में बराबर करके फैला दी है। और फ्रेंड, हमने ये एक ऑनलाइन NBSnana प्लांट्स मंगाए हैं, तो अब हम इसको निकालेंगे। इसको हम एक पत्थर पे अटैच करेंगे। ये मैंने एक नायलॉन का एक धागा लिया है, इसको हम इस तरीके से अच्छे से बांधेंगे ताकि लूज ना रहे। और नायलॉन का बेनिफिट ये कि आपका धागा दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से हमने इसको बांध दिया है, और इसी तरीके से हमने एक ड्रिफ्टवुड लिया, उस पर भी हमने कुछ ये प्लांट्स बांध दिए हैं। ये प्लांट्स ऐसा प्लांट है जिसको पानी के अंदर में जो CO2 है उसी से इसका काम चल जाता है, और इसको लो लाइट और लो CO2 चाहिए, जिससे आप एक कम कॉस्ट में प्लांटेड टैंक बना सकते हैं। ये प्लांट्स आपको ऑनलाइन बड़ी इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आइए हम इसको प्लेसमेंट करते हैं। ये हमने सेंटर में ड्रिफ्टवुड के साथ NBSnana लगाया, और ये हमने ये कुछ रॉक्स मैंने और लिए हैं ताकि टैंक की थोड़ी सुंदरता बढ़ जाए। आप ये आपको बड़े इजली मिल सकते हैं, और ये रेड लावा रॉक्स है, ये
अभी हम एक फिल्टर लगा रहे हैं इसमें, एयर फिल्टर, इसे हम पत्थर के पीछे छिपा दे रहे हैं ताकि ये जो आपका इसकी सुंदरता प्रॉपर दिखाए। अब हम एक लाइट लेंगे, ये मेरी सैमसंग की लाइट है, सैमसंग ADS4000C, जो काफी अच्छी लाइट है और कम कॉस्ट में है। फिर मैं पानी डाल रहा हूँ, पानी के लिए आप कोई भी पॉलिथीन ले लेंगे ताकि आपके जो सैंड है ग्रेवल से वो खराब ना हो। मैं इसका एयर पंप चालू कर रहा हूँ यहाँ से, एयर फिल्टर, जो कि आप ये देखिए इजली स्टार्ट हो गया एयर फिल्टर और पानी की रोटेशन शुरू हो गई। अब हम इसमें लाइटें लगाएंगे, ये देखिए जो सैमसंग की लाइट है ADS4000C, जो मेरे को काफी ठीक लगी प्लांट्स के लिए। इसके अलावा आप नॉर्मल कोई भी लाइट आप यूज कर सकते हैं। हमने बड़े इजी टैंक पे लगा दिए, फ्रेंड ये लाइट हमने लगा दी है, लाइट्स मैं ऑन कर रहा हूँ, काफी अच्छी लाइट है। इसके बाद में हम इसमें मेडिसिन डालेंगे, जो पानी सप्लाई का हमने लिया उसको रिमूव करने के लिए एंटी क्लोरिन 75 लीटर का टैंक है, 10 ml हम डालेंगे। ये हमने इसमें मेडिसिन यूज कर लिए। फ्रेंड आपने एक चीज का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में जब आप प्लांट्स लगाएंगे या कोई भी चीज लगाएंगे तो इसमें आप एक टाइमर मार्केट से लेंगे जो आपको नॉर्मली ऑनलाइन मिल जाएगा, और आपको स्टार्टिंग में जो लाइटिंग रखनी है वो आपको सिर्फ 6 घंटे लाइट रखनी है। अगर आप ज्यादा देर लाइट रखेंगे तो उसमें क्या है कि आपको एलगी प्रॉब्लम्स आएंगी और उससे आपका टैंक खराब हो जाएगा, और आपका टैंक प्रॉपर अच्छे से चलने में आपको 2 से 2.5 महीने जरूर लेगा। दूसरा दिन है, हम मैंने ये टेम्परेचर मीटर लिया है इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, और ये इसमें मैंने लगा दिया। एक मैंने ये फैन भी लिया है और जिससे कि मैं टेम्परेचर इसका 26, 28 या 30 इसको मैं दे पाऊँ टैंक को, ताकि ये मेरे प्लांट्स सही रहें। फ्रेंड यार ये दूसरा दिन है, मैं इसमें अपने 2 मौली फिश लेके आया हूँ, जो मौली फिश मैं इसमें एक टेस्टिंग फिश के लिए डालूंगा कि मुझे प्रॉपर रहे कि मेरे मछली प्रॉपर तरीके से है, अच्छे से खाना खा रही है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में अपनी दूसरी मछलियां डालेंगे। ये मैं इसमें टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ, फिश को डाले हुए मेरे को 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसका टेम्परेचर मेंटेन करूंगा। ये बकेट मैंने लिए और इस बकेट में इस फिश को छोड़ो, ये देखिए इसमें 2 मौली फिश मैंने इसमें छोड़ दी। अब मैं पाइप ट्यूब लूंगा और उसके आगे एडजस्ट करने वाला कंट्रोलर मैं लगाऊंगा, जिससे आपका पानी जो है ड्रिप ड्रिप आपका फिश का टेम्परेचर मेंटेन होगा, जिससे आपका फिश कोई स्ट्रेस में ना आए। ये मैंने स्लोली स्लोली इसमें मौली के साथ में भी टेम्परेचर मेंटेन किया। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि फिश लाते हैं और डायरेक्टली टैंक के अंदर में छोड़ देते हैं और दूसरे दिन कहते हैं कि हमारी मछलियां मर गए हैं, तो पहले अपने टैंक को सेट करो और उसमें एक मौली फिश डालो तो उसको अच्छे से खाना खिलाओ 1-2 दिन तक, उसके बाद आप नई मछलियां डालिए ताकि आपका पूरा टैंक प्रॉपर स्टेबलाइज हो जाए। ये हमने इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है,
सकते हैं आप देखने स्मॉली फिश है। ये मैं अब मग्गे से थोड़ा पानी ले रहा हूँ टैंक का और धीरे धीरे मैं इसमें मिला रहा हूँ ताकि इसका प्रॉपर टेम्परेचर सेट हो जाए और मछली भी आपका अच्छे से। इसको हम 5-6 मिनट रहने देंगे और ये जो फिश है मैं इसमें टैंक में छोड़ रहा हूँ। जब मैंने इसमें फिश छोड़ दिया फ्रेंड, आज हमारा तीसरा दिन है। हम इसके अंदर में आज अपना एंजल फिश छोड़ेंगे जो कि आपके प्लांट्स को और इन चीजों को हार्म नहीं करती है। सो हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। इसमें हमारी 6-7 एंजल फिश है। हमने इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रख दिया 10-15 मिनट। इसको टेम्परेचर मेंटेन हो गया है 15 मिनट। उसके बाद हम ये एंजल फिश एक बकेट में डालेंगे। दोबारा हम एक एयर लाइन लेंगे जिससे हम उसी प्रोसेस से इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर और फिश का टेम्परेचर सेम होगा। ये रखना है कि आपका फर्स्ट आपका जो एक महीने के आसपास आप जो लाइट जलाएंगे वो सिर्फ आप 6 घंटे जलाएंगे। और ये देखिए हमने एक लो टच प्लांटेड टैंक बना दिया है जिसका कॉस्ट सिर्फ 4-5 हजार रुपए है। अच्छा लाइट लगा है, अच्छा टैंक है और NBSnana जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो एंजल फिश है एक दिन बाद आप इनको आप खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने में आपने ध्यान रखना है कि कोई भी आप मार्केट से फूड लेंगे उस पर एक्सपायरी वायरी जरूर चेक करेंगे क्योंकि लोकल मार्केट में लोकल फूड काफी आया हुआ है जिससे क्या है कि आपका पानी गंदा होता है, पीला पड़ता है और पानी टैंक के अंदर में चिपचिपा होकर वो मछलियां भी आपके मरते हैं। तो आपने कोशिश करना जो भी आप फूड लेंगे ब्रांड फूड लेंगे और उसका आपको एक्सपायरी वायरी जरूर चेक करेंगे। तो मैंने ये 3-4 फूड रखे हुए हैं जो पानी को गंदा भी नहीं करते और मछली भी आपके हेल्पफुल रहते हैं। टेट्राबाइट्स आप छोटे मछली के लिए यूज कर सकते हैं। JBL फिश फूड है, आप यूज कर सकते हैं JBL। एंड ये छोटी मछली के लिए छोटे दाने, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये ब्लड बाम है कुछ कूड़े के और ये भी आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कोई भी फूड खरीदेंगे मार्केट से तो उसका एक्सपायरी वायरी जरूर चेक करें क्योंकि लोकल फूड मार्केट में लोकल फूड और मछली मरने का बहुत बड़ा रीजन और पानी गंदा होने का रीजन आपका इस फूड पे डिपेंड करता है। इसका आपने वीकली आपने 30-40% पानी चेंज करना है और कोई टैंक कोई हाईलाइट कोई एक्स्ट्रा CO2 कोई ऐसा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। ये आपका इजी टू लो टच प्लांटेड टैंक है। सो लेट अस एंजॉय फ्रेंड्स।